जैसे जैसे महंगे होते हैं बिजली पेट्रोल वगैरह, वैसे वैसे मेरे दिल को पड़ते हैं फिर हौल वगैरह। वैसे वैसे मेरे दिल को पड़ते हैं फिर हौल वगैरह, आए छींक जो लीडर को तो लाजिम है बाहर का दौरा। आए छींक जो लीडर को तो लाजिम है बाहर का दौरा, वोटर को हो दिल का दौरा तो बस पैना डोल वगैरह। आज हमने पाकिस्तान के मजाहिया शायर मुरली चौहान साहब को अपने शो में खसूसी दावत दी है, तो फिर आइए उनसे कुछ मजाहिया शायरी भी सुनते हैं, उनसे गपशप भी करते हैं। और वेलकम टू सुनो पाकिस्तान मुरली साहब। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम बड़े मजे का है। जैसे वो कुछ एक्टर और एक्ट्रेसेस का होता है ना फिल्मी नाम, तो ये आपका शायरी में नाम तो नहीं है? प्रॉपर करेक्टर है, ये वही है, ये शायरी का नाम है ना? हाँ जी, देखिए मैं सही पहुंचा। वो उसमें फ्लूट का शौक था मुझे। अच्छा, तो मैं जिस जगह पे जॉब करता था वहाँ पे मुख्तलिफ मेरे नाम के सईद नाम के चार पांच दोस्त थे, तो उन्होंने आइडेंटिफिकेशन के लिए रखे हुए थे नाम। तो चूंकि मुझे शौक था बांसुरी का, तो उसको पंजाबी में मुरली कहते हैं, तो फिर वो उन्होंने सईद मुरली कहना शुरू, फिर मुरली। लेकिन क्या बात है ये, और ये बड़ा मुझे पहचान बन गया, बड़ा हिट शूट किया। जी जी। अच्छा, देखिए शायरों के बारे में कहा जाता है बड़े हसास तबीयत के होते हैं, हालात हाजरा से तो हम भी वाकिफ होते हैं और हम डेली उस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं, हमारे लिए रूटीन की बात, लेकिन शायर बड़े हसास होते हैं। हालात हाजरा को लेकर आपने कोई शायरी लिखी है? जी जी, हालात हाजरा आजकल तो महंगाई है, दो रोटी यही चर्चा दावे तो हो रहे हैं कि काम हुई है, लेकिन अमली तौर पे नहीं है। अभी निचली सतह पे अभी वो नहीं आई, वैसे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह सुना को थोड़ा सा हुआ, लेकिन आम आवाम के लिए रिलीफ अभी नहीं, वो तकलीफ अल्लाह करे पहुंच जाए, रिलीफ नहीं है अभी, तकलीफ ही। तो उसके लिए जो हर रोज महंगाई वगैरह जो खबरें सुन रहे हैं हम, तो उसके लिए लिखा है कि जैसे जैसे महंगे होते हैं बिजली पेट्रोल वगैरह, जैसे जैसे महंगे होते हैं बिजली पेट्रोल वगैरह, वैसे वैसे मेरे दिल को पड़ते हैं फिर हौल वगैरह। वैसे वैसे मेरे दिल को पड़ते हैं फिर हौल वगैरह, आए छींक जो लीडर को तो लाजिम है बाहर का दौरा। आए छींक जो लीडर को तो लाजिम है बाहर का दौरा, वोटर को हो दिल का दौरा तो बस पैना डोल वगैरह। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। वोटर को हो दिल का दौरा तो बस पैना डोल वगैरह। और ये मालोजर का ही ये सिलसिला देखिएगा कि इसी बहर में, इसी काफिया रदी में, कि मालोजर के दौर में हो जब हुस्न व इश्क का मैच वगैरह। मालोजर के दौर में हो जब हुस्न व इश्क का मैच वगैरह, कंगला आशिक हो जाता है पहली बॉल पे कैच वगैरह। क्या बात है, महंगाई का रो रहा है ना कंगला आशिक। बिल्कुल ठीक है, आशिकों के लिए भी बड़ी सरदर्द है ना ये महंगाई, इश्क करना भी मुश्किल हो गया। जी जी जी, हाँ जी, कंगला आशिक हो जाता है पहली बॉल पे कैच वगैरह, मेरी डब्बा पैक मोहब्बत का दो दिन में हुआ कबाड़ा। डब्बा पैक, वाह वाह, मेरी डब्बा पैक मोहब्बत का दो दिन में हुआ कबाड़ा, दिल की टच स्क्रीन पे उसने डाले हैं स्क्रैच वगैरह। स्क्रीन ही बदली जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, पैनल नहीं डलेगा जी। और यही ये महंगाई के हवाले से देखिए कि बिजली ना पानी गैस मगर बिल है रेगुलर, बिजली ना पानी गैस मगर बिल है रेगुलर, मत पूछ कैसे घर को चलाता हूँ, मत पूछ कैसे घर को चलाता हूँ आजकल, रो रो के आंसुओं से मैं भरता हूँ बाल्टी, हंस हंस के फिर उसी से नहाता हूँ आजकल। वाह 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 वाह, ये इसमें नोहा भी है और मजाहिया शायरी भी है इसमें। हाँ जी जी, वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा, ये भी बताइएगा कि हम देखते थे महंगाई की, आपने बात की महंगाई का नोहा तो आपने सुनाया, पहले बड़े मुशायरे हुआ करते थे, मजाहिया भी संजीदा भी, महंगाई असर अंदाज हुई है इन मुशायरों पर कुछ? जी हुई है, ज़ाहिर हर चीज़ पे असर हुआ, मुशायरे कम हो गए, मुआवजा कम हुआ, तो बल्कि बाजू का तो ये होता है कि वो मुशायरे वाले कहते हैं आप आए अजाजिया भी होगा। अच्छा, हम जाते हैं मुशायरा करते हैं, वो कहते हैं जी आपका आना हमारे लिए एजाज है। आए, हाँ, हाँ, हाँ,
ये एजाज़ी है तो फिर ज्यादा वहाँ एजाज़ी है मेरी, ये एजाज़ है तो ये भी हो जाता। अच्छा मुझे बताइए इसके अलावा और कौन से सब्जेक्ट में आपको, मतलब महंगाई तो होगी, और कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है शायरी में? तकरीबन हर, क्योंकि शायर ने तो अपने इर्द गिर्द देखना होता है, तो जो भी देखता है उसी के बारे में। अच्छा मियां बीवी के रिलेशनशिप के बारे में कुछ है ना शायरी हो जाए? अच्छा वो हाँ जी, वो इस तरह के करे जब ईद की शॉपिंग तो बेपरवाह निकले, करे जब ईद की शॉपिंग तो बेपरवाह निकले है, उड़ाने को मेरी तनख्वाह अन्नेवाह निकले, अन्नेवाह निकले, उड़ाने को मेरी तनख्वाह अन्नेवाह निकले है, प्लाजे साहब बदन लेकर मेरी बाइक पे जब बैठे, प्लाजे साहब बदन लेकर मेरी बाइक पे जब बैठे, अचानक पिछले पहिए से सदाए ठाह निकले है। टायर पंक्चर, हाँ जी जी जी, सदाए ठाह निकले है। तो हालात हाजरा पे ही देखिए जरा, हमारा जो मिजाज हो गया है मुआशरे का, लोगों का, आवाम का, चलो अपने मुखालिफ की करें तज़हीक थोड़ी सी, चलो अपने मुखालिफ की करें तज़हीक थोड़ी सी, कि कर दी जाए उसकी ऑडियो ही लीक थोड़ी सी। कि कर दी जाए उसकी ऑडियो ही, सियासत अधूरी है ऑडियो लीक की, जी ऑडियो ही लीक थोड़ी सी, इशारा कर दिया जिसको पड़ोसन की वो अम्मा थी, इशारा कर दिया जिसको पड़ोसन की वो अम्मा थी, तो पस साबित हुआ मेरी नजर है वीक थोड़ी सी। क्या बात है, तो पस साबित हुआ मेरी नजर है वीक थोड़ी सी, बड़ी कूचाए जाना में रकीबों से मुझे फेंटी, बड़ी कूचाए जाना में रकीबों से मुझे फेंटी, मैं फिर जाऊंगा होगी जब तबीयत ठीक थोड़ी सी। यानी बाज नहीं आना, मुश्किल मिजाजी, मुश्किल मिजाजी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा मुरली साहब, ये भी जरा फरमाइएगा कि आपने अपनी पसंदीदा कुछ होगी आपकी शायरी जो आपने लिखी होगी, वो भी अगर आप हमें सुनाना चाहें तो। जी जी, वो जिस तरह ये 14 अगस्त आपको बताया ना कि हर मौजू पे लिखना चाहिए लोगों को, बिल्कुल, हाँ तो वही वर्सटाइल है। तो 14 अगस्त का माहौल रखिए, उस्ताद डॉक्टर ना वकील और हुक्मरान, उस्ताद डॉक्टर ना वकील और हुक्मरान, मुल्ला अदीब मुफ्ती ना शायर कोई यहाँ, मेरी नज़र में ठहरा मुहिब्बे वतन वही, जिसने भी की है सड़कों पे पा 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 पा। क्या बात है, आपने कहा ना जरा मंजर ज़हन में रखी, तो मेरे ज़हन में सबसे पहले बाजा आया, झंडियां बाद में आया। और लोग इससे इतने इरिटेट होते हैं, लेकिन ये चीज बंद नहीं होती। तो ये तंज है ना, कि बस वही मोहिबे वतन है, यही उबुल वतनी है, कि बस पा पा कर दिए बस, और कोई जिम्मेदारी नहीं है, फर्ज पूरा हो गया। जी ये मुमकिन है मेरी चाहत कभी तुम पर पड़े भारी, ये मुमकिन है मेरी चाहत कभी तुम पर पड़े भारी, तेरे मासूम जज्बों पर चले खुंडी से एक आरी, तेरे मासूम जज्बों पर चले खुंडी से एक आरी, मरीज़े इश्क भी हूँ और ऊपर से हूँ मैं शायर, मरीज़े इश्क भी हूँ और ऊपर से हूँ मैं शायर, अभी से सोच ले प्यारे मुझे दोहरी है बीमारी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया।